हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग आने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथ के VV ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज ये इस वीडियो सीरीज की 3 नंबर वीडियो है मैथ के VV ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। दोस्तों, हम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों आपका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उससे रिलेटेड दोस्तों सभी VV ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस 2 वीडियो में हम दोस्तों डिस्कशन किए हैं। अगर अभी तक आप उस सभी 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपका जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, इससे रिलेटेड बहुत सारे VV ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज जो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, पूछ रहे कि यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x + 4 के शून्यक α, β हो, तब α + β का मान होगा। यानी कि दोस्तों सिंपली आपको समझ लेना है कि यहाँ पर जो आपका द्विघात बहुपद दिया गया दोस्तों, इस बहुपद के लिए आपको जो है α + β का मान दोस्तों बताना है कि कितना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि α + β का जो दोस्तों फार्मूला होता है वो होता है -b/a, और यहाँ पर आपका जो दोस्तों माइनस तो रहेगा ही, और b का मान दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -1 है। b दोस्तों क्या होता है, जो आपका पावर 1 वाला का जो दोस्तों गुणांक होता है वही होता है b। तो यहाँ पर आपका जो पावर 1 है उसका गुणांक है -1, तो यहाँ पर -1 हम रख देंगे। और a का वैल्यू दोस्तों पावर 2 वाला का दोस्तों गुणांक होता था, पावर 2 का जो गुणांक है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। ये दोस्तों -1 और 1 यानी कि -(-) क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा, और बट्टे में क्या होगा दोस्तों 1/1 जो दोस्तों होता है वो 1 होता है। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि +1। इसके बाद आपका जो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आपका जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होगा। ये इसका दोस्तों आपको डायरेक्ट क्या करना है, शून्यक बताना है। तो आप सभी जानते होंगे कि इसका शून्यक हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, a को c से गुना करना है, तो 36 दोस्तों आपका 18 हो जाएगा। 18 का अगर फैक्टर तोड़ा जाए तो 9 दुना क्या होगा दोस्तों, 18 होगा, और ये एक फैक्टर आया आपका 9 और एक आया दोस्तों 2। इसी दोनों फैक्टर के आधार पे हमें ऐसा फैक्टर चाहिए कि घटा करके बी मुझे पूरे। तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो आपका 6x² है तो दोस्तों आप 6x² को सेम टू सेम लिखेंगे, और जो आपका -7 है दोस्तों उसको हम लिख देते हैं आपका जो है +2x और -9x, और फिर लिखेंगे दोस्तों हम आपका -3 माइनस, क्योंकि आपका उधर -3 तो 3 लिख देंगे। ये दोनों दोस्तों एक पेयर बन जाएगा और ये दोनों एक पेयर बन जाएगा। आप क्या करेंगे, आप जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और x कॉमन है, तो यहाँ पर हम 2x क्या करेंगे दोस्तों कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन लेंगे तो 2 + 3 दोस्तों होता है 6, तो 3x यहाँ पर बचेगा, और 2x को दोस्तों 2x से क्या करेंगे भाग देंगे, तो यहाँ पर आपको बचेगा +1। और इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे माइनस, आपका जो है -3 लेते हैं कॉमन, माइनस कितना दोस्तों 3, तो -3 को मानेंगे तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 3 + 9 होता है, और एक्स तो एक्स आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, और 3 से 3 को भाग देंगे तो आपका 1 आएगा। इस तरह से 3x + 1 और 3x + 1 दोनों आपका कोष्ट में बन रहा है। तो आप जो है 3x + 1 और एक आपका बनेगा 2x - 3, यानी कि दोस्तों 2x - 3। अब इस दोनों को, ये जो आपका दो दोस्तों गुणनखंड आ रहा है, इस दोनों को अगर आप क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे तो आपका जो है 2 शून्यक निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपका जो 2 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका जो है सही हो जाएगा, यानी कि 3/2 और कॉमा में आ जाएगा आपका जो है 1/3। इसके बाद आपका जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछ रही है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक हैं, यानी कि सिंपली आपको बताना है कि कौन रेखीय हैं। ये दोस्तों आपको क्या करना है, बताना है, जो कि दोस्तों आपका 2013 में क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। तो आपको रेखीय बहुपद कौन है ये बताना है, रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए।
कि जिस बहुपद का दोस्तों आपका जो है अधिकतम घात एक होता है उसे कहते हैं रेखीय बहुपद। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 2x-5 जो है वो एक क्या है दोस्तों, रेखीय बहुपद है। इसके बाद आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब कभी भी आप याद रखें कि आपका जो चर संख्या होता है अगर उस पर रूट रहा, या नहीं तो दोस्तों चर संख्या का पावर बट्टा में रहा, या नहीं तो अगर चर संख्या बट्टा के नीचे में रहा, या नहीं तो अगर ऐसा भी आपको दिख जाए चर संख्या का पावर में दोस्तों क्या हो जाए माइनस दिख जाए, तो अगर चर संख्या पे रूट रहेगा, चर संख्या का पावर बट्टा में रहेगा, अगर चर संख्या बट्टा के नीचे रहा, या फिर नहीं तो चर संख्या का जो दोस्तों पावर है वो माइनस में रहेगा, तो इस स्थिति में वो व्यंजक दोस्तों बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो चर संख्या यानी कि एक्स है वो रूट के अंदर है। इसके बाद आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, पूछ रहे कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट के माध्यम से हमें देंगे। आपका ए ऑप्शन है ax² + bx + c, और बी ऑप्शन है ax⁴ + bx³ + c, और जो सी ऑप्शन है दोस्तों ax³ + bx² + cx + d है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आखिर कितना होगा, ए होगा कि बी कि सी कि डी, आप बताएंगे। इसके बाद आपका दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है दिए गए द्विघात बहुपद के ग्राफ में शून्यक की संख्या है, शून्यक का संख्या कितना है, ये दोस्तों आपको क्या करना है बताना है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर इस तरह का कोई भी ग्राफ दिया जाए और शून्यकों का संख्या पूछा जाए तो आप सिंपली देखेंगे कि जो आपका ग्राफ है, ये दोस्तों आपका जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद करती है, जितना बार प्रतिच्छेद करेगी दोस्तों उतना बार के उतना ही आपका क्या होगा शून्यक होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका ग्राफ है वो एक बार एक्स को इस बिंदु पे और एक बार इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि 2 बार। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों क्या है इस ग्राफ के अनुसार जो आपका शून्यकों का संख्या वो क्या है 2 है। इसके बाद अगला यहाँ पर आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है कुछ उसी टाइप का है लेकिन महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि त्रिघात बहुपद x³ - 4x के शून्यकों की संख्या नीचे दिखाया गया है, इनमें कौन सत्य हो सकता है, खींचे गए ग्राफ की सहायता से उत्तर दे। यानी कि दोस्तों आपको जो है x³ - 4x का जो है नीचे ग्राफ दिखाया गया है और इसमें से कौन सा उत्तर सत्य होगा ये आपको क्या करना है बताना है। आप जैसे देख सकते हैं कि हम आपको बता शून्यक होता कौन है, जो क्या दोस्तों जो बिंदु जो है ग्राफ का जो बिंदु दोस्तों क्या करता है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है वही शून्यक होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राफ का एक ये बिंदु जो आपका -2.0 है वो, और इसके बाद दोस्तों ये बिंदु भी ग्राफ का जो दोस्तों ये भी बिंदु जो है वो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो होता है दोस्तों मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु का जो आपका निर्देशांक होता है वो 0.0 होता था। एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये, और एक ये बिंदु दोस्तों आपका क्या है प्रतिच्छेद कर रही है 2.0। तो आपका जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी कि -2.0 और इसके बाद आपका 0.0 और इसके बाद 2.0, यानी कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है फिर उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि नीचे दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या है, यानी कि सिंपल आपको शून्यक का संख्या बताना है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर ग्राफ केवल एक ही बार क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है फिर उस टाइप का क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ग्राफ के मदद से कि जो आपका जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, वाई अक्ष को कर रहा है। तो वाई अक्ष से हमें मतलब नहीं होता है, तो एक्स अक्ष को नहीं प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि एक भी नहीं शून्यक है क्योंकि एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसके बाद आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे, पूछ रहे कि दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या होगी, कितना संख्या होगा ये आपको क्या करना है बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर
एक्स अक्ष को और एक एक्स अक्ष को यहाँ, एक एक्स अक्ष को यहाँ और एक एक्स अक्ष को यहाँ, यानी कि टोटल चार बिंदु पर एक्स अक्ष को दोस्तों क्या कर रही है ग्राफ छू रही है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी कि चार यहाँ पर जो है शून्यकों का संख्या है। इसके बाद यहाँ 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछ रहे कि द्विघात बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का शून्यक केवल कितना होगा, ये आपको क्या करना है बताना, केवल एक शून्यक होगा, केवल जीरो शून्यक होगा कि केवल एक होगा या केवल दो होगा, ये आपको क्या करना है बताना है। अगर हम इसका शून्यक निकाले, अगर जो आपका एक्स क्यू और माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया इसका शून्यक निकालेंगे तो आप देख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका एक्स और यहाँ पर दोस्तों बचेगा माइनस वन, तो एक गुणनखंड ये हुआ और एक गुणनखंड ये हुआ। एक्स स्क्वायर को दोस्तों अगर आप क्या करते हैं जीरो के बराबर करते हैं तो आपको जीरो वैल्यू मिलेगा और एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस वन, यानी कि दो शून्यक आ रहा है, एक जीरो और एक दोस्तों क्या आ रहा है वन आ रहा है, तो दो शून्यक यहाँ पर केवल दो, क्या लिखेंगे दोस्तों केवल दो, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यकों का गुणनफल होता है, यानी कि कितना होता है उसका गुणनफल, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आप त्रिघात बहुपद जो होता है उसमें शून्यक तीन होते हैं, एक होते अल्फा, एक होते हैं बीटा और एक होते दोस्तों गामा, तो अल्फा अल्फा बीटा गामा ही दोस्तों कहलाता है शून्यकों का गुणनफल। तो ये जो दोस्तों आपका जो 12 का सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू जो गामा होता है वो माइनस डी बट्टा ए होता है, तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद जो आपका दोस्तों अगला 13 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के एक शून्यक वन है तो अन्य शून्यक होगा, यानी कि तो देखिए आपका त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक होते हैं आप सभी को बता दे, और एक शून्यक यहाँ पर आपका एक दिया गया है तो बाकी का दो शून्यक क्या होगा ये आपको क्या करना है बताना। इसको दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जो 13 का सही आंसर आएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी कि माइनस वन कॉमा तीन, यानी कि एक तो आपका एक दिया गया है, दूसरा होगा माइनस वन और तीसरा होगा दोस्तों आपका तीन। इसके बाद यहाँ पर आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद हैं जहाँ जी एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जी एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो आपको भागफल दे दिया गया है क्यू एक्स और आर एक्स दोस्तों शेषफल है, तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा ये दोस्तों आपको क्या करना है बताना है। आप सभी जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो होता है दोस्तों भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और दोस्तों उसके बाद होता है प्लस शेष। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे दोस्तों अगर तो यहाँ पर दोस्तों 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। अगर आप क्लास किए होंगे रेगुलर क्लास तो वहाँ आपको देखने को मिला होगा। इसके बाद आपका जो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि घात एक के बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं ये आपको दोस्तों क्या करना है बताना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद आपका जो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद के शून्यकों की संख्या है, यानी कि दोस्तों एक बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस बहुपद का जब हम शून्यक निकालेंगे तो कितना शून्यक आएगा ये आपको बताना है। इसके बहुपदों का शून्यक का जो संख्या होगा वो दो होगा कि तीन होगा कि एक होगा कि चार होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो दोस्तों आपका बहुपद है वो है द्विघात बहुपद, ए एक्स स्क्वायर जो है वो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का दोस्तों दो शून्यक होता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दो। अगला 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछ रहे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अभी आपको बताए कि दो होता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 18 नंबर आज का क्वेश्चन है पूछ रही है
एक त्रिघातीय बहुपद जो है दोस्तों एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस तीन के एक शून्यक तीन हो तो बाकी शून्यक क्या होंगे। एक शून्यक आपको तीन दे दिया गया है, त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं तो उसमें से दोस्तों आपको एक दे दिया गया है कि तीन है, तो दूसरा जो दो को बच गया वो दोस्तों बाकी के दो क्या होंगे आपको बताना है। जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 18 का जो दोस्तों सही आंसर निकल करके आएगा। अब सर सॉल्व कैसे करेंगे तो आपको एक तरीका बता देते हैं, उस तरीका से आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। जो आपका तीन दिया गया है तो अगर ये दोस्तों शून्यक है तो तीन जो है दोस्तों उसका गुणनखंड क्या होगा, ये होगा एक्स माइनस तीन। एक्स माइनस तीन होगा तब तो एक्स को या बाएँ रखे और तीन को दाहिने भेजो तो आपको प्लस तीन मिला। तो यानी कि आपको सीधा क्या करना है, जो भी शून्यक दिया जाएगा उससे आप जो है अगर प्लस में है तो उसको एक्स के साथ माइनस में ले लेंगे। तो एक्स माइनस तीन दोस्तों आपका एक जो है बहुपद बन गया। इससे अब आप क्या करेंगे, इस बहुपद को भाग करेंगे। भाग करने के बाद आपको दोस्तों एक द्विघात जो है बहुपद मिलेगा। द्विघात बहुपद का आप दोस्तों क्या कर लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। तो इस तरह से इस विधि से आपका जो 18 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि 1.0। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।